वाओ आई मीन कितने ज्यादा ओ टी प्लेटफॉर्म्स आ गए ना यार एक टाइम था जब हम लोग तो मतलब वो थिएटर्स की लाइन में खड़े रहते थे पता है वो ब्लैक में भी टिकटें मिलती थी वैसे फिल्में देखते थे ना आज सब कुछ यू you नो know? तो अब कहने का तात्पर्य है कि ना हमारा फिल्म देखने का ना नजरिया फिल्म देखने का तरीका काफी हद तक बदल चुका है स्पेशली कोविड के बाद कोविड में क्या हुआ ना कि हम सब ज्यादातर घर पे थे लॉकडाउन आ गया बंद थे लेकिन एंटरटेनमेंट तो चाहिए था तो OTT ने 10 साल का जम दो साल में ले लिया और अब ज्यादा से ज्यादा फिल्में ओ पे बन रही इवन हम धर्मा प्रोडक्शन का ओ वर्जन देख रहे हैं हम लोग ये भी देख रहे हैं कि वाई भी ये ओ पे जा रहा है पर हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एक फिल्म मेकर है क्योंकि अगर आप आपने अभी अभी अपनी एक छोटी सी प्रोडक्शन कंपनी शुरू किए या फिर आप एक नए प्रोड्यूसर है या फिर आपने एक नई नई शॉर्ट फिल्म बनाई है जो आपको लगता है बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि आपके पास शायद कुछ अच्छी स्टोरीज है एंड आप चाहते हैं कि ये ओटीटी पे रिलीज हो स्पेशली नेटफ्लिक्स हॉटस्टार एमेजोन प्राइम पे तो ये वीडियो आपके लिए है तो कैसे आप अपनी फिल्म ओ टी टी पे रिलीज कर सकते हैं कैसे आप ओटीटी के साथ एक पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें ओ टी टी खुद उसे प्रोड्यूस भी करे जैसे हम देखते हैं कई बार नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स प्राइम ओरिजिन knows. तो ये वीडियो तीन लोगों के लिए है। एक जो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है जैसे कि मैं मैं जानना चाहता हूँ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मार्केट में दूसरे वो जो शायद एक प्रोड्यूसर है लेकिन नए नए प्रोड्यूसर है उनको डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी फिल्म को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट करे नेटफ्लिक्स प्राइम और एस एस सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या फिर आप एक राइटर है और आपने एक तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी है लेकिन प्रोड्यूसर मिलने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप चाहते हैं कि ओटी आपकी वहां पे मदद कर दे इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले एक स्कैम

कॉर्पोरेट हाउसेस है ये नए प्रोड्यूसर्स को मौका जरूर देते लेकिन उनकी जो चैनल है वो काफी ऑफिशियल होती है वो इस तरह से कोई एजेंट थ्रू या किसी के कहने पे आपकी फिल्म रिलीज नहीं कर सकते तो तो सबसे पहले आप तो आप अपने से से एक सवाल पूछे कि आपको कौन पे जाना है हर ओ टीडी प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग टारगेट ऑडियंस है जैसे ऑल्ट बालाजी की अलग है जी फाइव की अलग है तो आपको ये देखना है कि आपने जो फिल्म लिखी है या फिर आपने जो फिल्म बनाई है वो कौन से प्लेटफॉर्म की कौन सी ऑडियंस को सूट करेगी क्योंकि फिल्म रिलीज करना एक बात हो

अपनी कई सारी फिल्में ऐसी देखी होगी हम सब ने घर में देखी है जैसे की वेन्सडे देखी थी हमने हम सबको पसंद आई थी लेकिन वो फिल्म हिट नहीं थी तो उसकी वजह ये थी कि वो फिल्म जब रिलीज हुई तो इनिशियल ऑडियंस रिस्पॉन्स काफी कम था तो वहां पर फिल्म मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में मार खा गई लेकिन आज ओ के जमाने में आपके पास एक बड़ी सी ऑडियंस की रीच होती है लेकिन वो ऑडियंस चूज करना आपका काम है आप देखिए कि आपके कंटेंट के हिसाब से कौन सा ओ टी सही रहेगा या फिर अगर आप बहुत नए प्रोड्यूसर है या फिर अगर आपने अभी अभी एक शॉर्ट फिल्म जस्ट लिखी है डायरेक्ट की है या फिर आपने एक शॉर्ट फिल्म बनी और आप चाहते हैं कि उसे प्राइम पे रिलीज किया जाए तो वो थोड़ा सा यू नो मतलब वो वाली बात हो गई कि वो तब हो पाएगा जब प्राइम को वो शॉर्ट फिल्म दिखाने की जरूरत लगेगी जैसे क्या होता है ना कि जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमको लगता है कि यार ये ना नेटफ्लिक्स पे जाना चाहिए लेकिन आपको ये नहीं पता नेटफ्लिक्स के खुद के अपने कायदे कानून है अगर आप नेटफ्लिक्स पेज पे जाते हैं तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं इस पेज पे उनकी खुद की गाइडलाइंस है कौन सा कैमरा यूज़ करना है कौन सा लेंस यूज़ करना है कौन से तरह से हमें साउंड रिकॉर्ड करना है हर चीज़ नेटफ्लिक्स के हिसाब से होनी चाहिए तो वो अपनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की जो कंटेंट की क्वालिटी होती है ना उसे मेंटेन कर पाए तो आपको लगता है कि मैंने 4K 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट किया एंड दैट्स डिसेंट क्वालिटी तो वो तो नेटफ्लिक्स पे जानी चाहिए ना ऐसा नहीं है तो so, वह तभी पॉसिबल है जब आपकी शॉर्ट फिल्म क्रिटिकली अपलोडेड हो मतलब लोगों ने इसकी वाह वाह की हो अब वाह वाह पे होती है वाह वाह करने की बहुत सारी जगह होती है देखो फिल्म फेस्टिवल्स है ना इसी के लिए बने है. आप फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल ट्राई कर सकते हैं जैसे मुंबई में होता है मुंबई फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चेन्नई फिल्म फेस्टिवल होता है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल होता है ये काफी सारी फिल्म फेस्टिवल्स है जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट फिल्म बेसिकली उन्हें भेज सकते हैं वहां पर भेजने के बाद आपकी शॉर्ट फिल्म जब वहां पे

फिल्म मेकर अनलेस यू आर अ वेरी क्रेडिबल फिल्म मेकर तो वहां पे नेटफ्लिक्स प्राइम को क्या पता होता है कि यार नहीं आपने बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म बना रखी है तो ये भी अच्छी होगी the the तो तो वहां पर आपको थोड़ी सी गाइडेंस थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है।, और के लिए तो ये है तो कहने का तात्पर्य फिल्म को अच्छे से बनाए उसे रिलीज करें यूट्यूब पर रिलीज करें सबसे पहले तो वो फ्री प्लेटफॉर्म

आप डायरेक्टली Prime, प्राइम Zee5, जिस नेम इट। आजकल इंडिया में 30 से ज्यादा ओ टी टी प्लेटफॉर्म एक्टिव है uh, आप अपनी ऑडियंस देखें आप ये नोटिस करें कि आपके कॉन्टेंट के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म्स ज्यादा अच्छी है और कौन सी प्लेटफॉर्म्स नए प्रोड्यूसर्स या नए स्क्रिप्ट्स को वेलकम ज्यादा करे है। जैसे नेटफ्लिक्स एंड प्राइम आर द मोस्ट डिफिकल्ट वंस लेकिन अगर आप नीचे चले जाए तो आपको शायद वूट पे अच्छे से मिल सकता, पे मिल सकता है एक स्लॉट प्लेयर का जो अभी लॉन्च हुआ है है वहां आपको मिल सकता तो उन जगह पे आप ट्राई कर सकते हैं आप ट्राई कैसे करोगे इन वेबसाइट्स के कॉन्टेक्ट पेज पे आपको आराम से उनकी ई मेल एड्रेस वगैरह मिल जाएगी तो आप अपने सिनेपिस उन्हें ई कर सकते हैं उन्हें बता सकते हैं कि ये ऐसी ऐसी कहानी ये फिर मैंने ऐसे सोचा है आप उनसे मिलना चाहते हैं तो अगर

मुझे काफी सारे आते हैं ऐसे आता हैं कि आ, सर इस तरह से करना है लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें तो मेरे को ना वो इंग्लिश की वो एक कहावत है बड़ी प्यारी सी कहावत है कि इज़ इजियर सर देन डन तो कहना आसान है मतलब आ, करना मुश्किल लेकिन मुझे लगता है कई कई बार हम लोग आज के इंटरनेट जमाने को बहुत ही ज्यादा कर रहे हैं वो इतना आसान है कि उसकी कोई हद नहीं है अगर हम देखें तो यहाँ पर ओ टी टी भी अपना एक प्रोड्यूसर अपना फायदा देख रहा है।, है आप और मैं हम लोग जो ये कॉन्टेंट देखते हैं हम हमारी चॉइसिस देखते हैं एंड ओ टी टी प्लेटफॉर्म सिनेमा ये हमें इतनी ज्यादा चॉइसिस देते हैं कि हम अपने पसंद की चीजें देख सकते हैं तो यहाँ पर इट्स अ विन विन फॉर ऑल ऑफ अस और इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी चीजें शो करना या उन्हें रिलीज करना इट्स वेरी इजी लेकिन क्या होता है ना कि हम एक पुराने वो माइंडसेट ब्लॉक लेके चलते हैं हमें लगता है कि वो चीजें तो मुश्किल होनी चाहिए मतलब इतना आसानी से कैसे हो सकता है लेकिन हो सकता है YouTube पे अगर आपने आज तक कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड किया तो आपको आपको पता चलेगा कि वो वो बहुत ही चीज़ है 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 बस वो प्लस आइकन क्लिक करना है, अपनी फाइल अपलोड करनी टाइटल डालना है डिस्क्रिप्शन डालना है एंड आपकी पहली वीडियो इंटरनेट पर या फिर अगर कहे तो दुनिया के सामने आपने रख दिया तो ये चीजें ना काफी आसान हो गई आज के जमाने में एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इनिटी टू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका इंस्टाग्राम पर तो आप uh, भी फॉलो कर सकते हैं वहां पर मैं हर हफ्ते कोशिश करता हूँ एक क्यू uh, ए नहीं करने की तो अगर आपके कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज मी वनराज गढ़वी साइनिंग ऑफ सी यू नेक्स्ट वीक